खुशी भी हुई नसीब, अल्लाह मेरे भी खुशी नसीब करे, मुझे जलाने वाला कोई है ही नहीं, अरे नहीं ना नहीं बाप ना भाई। चल चल। सवेरा कौन सी है? ये सवेरा और दुआ नहीं, हिफ्जा हिफ्जा। रजाई दिखाए हैं यार, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, एनर्जी आती है, एक ताकत आती है। समटाइम मुझसे पूछ रहे होते हैं लोग, यार आप कितना घूमते रहते हैं, थकते नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप जानते हैं मेरी वीडियोस देख चुके होंगे आप, उमरकोट और इन इलाकों में मैं विजिट करके यहाँ पहुँचा था। कल पहुँच गया था जैसे, मैं बल्कि परसों रात को मैं पहुँचा था। तो कल कुछ काम थे, कुछ ऐसे हमारे सिलसिले के साथ जुड़े हुए ज़रूरतमंद लोग जिन तक पहुँचना था मुझे। एक तो फ़ोन आया हुआ था, वो जो खातून है जैसे रसौली, और फिर कैंसर होने का ख़दशा, तो उसने मुझे बहुत बेचैन किया था। देखिए हमारी और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, खाने पीने की भी होती हैं, लेकिन एक शख्स ज़िंदगी और मौत की स्टेज पर हो और वो उसके उसके सर पर शौहर भी ना हो, बेवा औरत और उसके बच्चे हों, बच्चे भी रो रहे हों, और वो बेवा औरत की अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? खौफ ज़्यादा हो जाता है, इंसान इनसिक्योर फील करता है घर पे, हमारा जिस तरह का माशरा अगर मर्द सर पर ना हो तो। बहरहाल अल्लाह ताला का करम हुआ, वो एक बहन ही एक अमानत देकर गई थी, तो उसमें से एक पोर्शन उन्हें दे दिया। फिर एक हमारी और बहन है जो कि उसका कोई वाली वारस ही नहीं, तो उसके खाने पीने का एक मखसूस तारीख को हमें वो पैसे पेड करने होते हैं, वो 1:30 हो चुकी थी, वो वहाँ तक पहुँचे। फिर एक हमारे और मेहरबान हैं, यूरोप से हैं, जर्मनी से, नाम पता नहीं उनका मैं लूँ नहीं, वो समझ जाएंगे, उन्होंने पहले मुझे नाम लेने से मना किया था। उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ भेजे, 10,000 रुपये, यार ये मेरी तरफ से सदका है, किसी ज़रूरतमंद शख्स तक पहुँचा दीजिएगा। तो यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ एक बहन है, वो भी शदीद ज़रूरतमंद है, और बस अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है जो उन तक पहुँच रही है। ये तो ये 10,000 रुपये हमारे उस भाई ने जो भेजे थे मुझे, ये 10 के 10,000, ये बहन आपके लिए, ठीक है? तो बस दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए जिसने ये भेजे हैं, ये मेरे तक एक अमानत पहुंची थी 10,000 रुपये, ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है? मैं खुश रहें, आपको कुछ सारी परेशानी तो खैर मैं नहीं कह सकता कि हल हो जाएगी, लेकिन कुछ परेशानी तो आपकी है ना, चलें अल्लाह करम करेगा। तो ये वो फैमिलीज हैं जो वीडियोस में नहीं आना चाहती, यानी कि वो सफ़ेद पोश है ना, तो वो चाहते हैं कि यार हम तो, हमारा भी खैर ये मकसद नहीं है, सच्ची बात तो यही है, वीडियो दिखाने का मकसद, अगर कभी कभार हम कुछ चीज़ें दिखाते भी हैं तो होता है कहीं। एक मुझे मैसेज भी मौसूल हुआ था कुछ इस तरह का, नेगेटिविटी से भरा हुआ, कि शायद पता नहीं ये पैसे उन लोगों तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। अब ये तो वही लोग बता पाएंगे या खुदा बता पाएगा कि उन लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। हमारी तो कोशिश यही है कि हमारे हाथों से वसीला बन के करने वाले तो कुछ और लोग हैं, कि किसी का भला हो जाए, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो बस अल्लाह मालिक है, हम अपना काम करते रहेंगे, लोग अपना काम करेंगे, है चलता रहेगा ऐसे, ठीक है भाई। तो ये हमारी एक बहन है, बस अल्लाह की तरफ से ही एक सिस्टम है, एक सिलसिला चल रहा है, हाँ सबको उठा लिया, सबको उठा लिया, बस आप ही हैं, हाँ बस बस अल्लाह अल्लाह आपके साथ भी कर्म के मामलात करे, चले अल्लाह अल्लाह कर्म करे, अल्लाह कर्म करेगा, ठीक है ना। तो मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो कोशिश करेंगे, कोई कंबल वंबल है, रजाई है? अच्छा नहीं, एक 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 रजाई ला दें आपको, एक स्वेटर और एक रजाई भी लेंगे। अनीस भाई हमारे एक बहुत प्यारे काइंड मेहरबान व्यूअर हैं, पुराना ताल्लुक मेरे को खास से ही है, अमेरिका न्यूयॉर्क में मुकीम है। उन्होंने कहा था कि यार एक अरूज जिंदगी का होता है, उसके बाद जब जवाल आता है ना, उसने जो आसाइशें देखी हुई होती हैं, फिर जब परेशानी आती है तो बहुत दुख देती है। तो इसी तरह का कुछ पीछे कहानी इस फैमिली की भी, रिच फैमिली होती थी, अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, लेकिन खुदा जाने क्या हुआ, वालदैन की वफात के बाद बेटियां थी, भाइयों की डेथ हो गई, तो अब इन्हें नज़र नहीं आता आंखों से नाबीना है। एक शख्स है बड़ा, वो मेहरबान, वो इसके साथ है, वो इसका ख्याल रखता है, और जिस होटल पर मैं खड़ा हुआ मुन्ने का होटल, यहाँ से इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, 10 से 12 12,000 रुपये ना, 12,000 रुपये, ये मुन्ना है मेरे साथ,
होटल वाला, 12,000 रुपये मुबलिक महीने का उनके खाने पीने का खर्च है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के नेक जो लोग हैं फरिश्ता से उनके ज़रिए से ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, एनर्जी आती है, एक ताकत आती है। समटाइम मुझसे पूछ रहे होते हैं लोग, यार आप कितना घूमते रहते हैं, थकते नहीं हैं? सच में मुझे तो अभी तक महसूस नहीं हुआ कि मैं कभी थका हूँ। अब इसमें मेरा कोई ख़ास कमाल नहीं है, पीछे दुआओं का ही असर होगा। तो आज से महीना हो गया जी, एक महीने से ऊपर हो गया। एक महीना पहले एक हमारी बहन है, ये शोहर भी मजदूर हैं, स्त्री मजदूर बेचारे, घर का गुजारा नहीं होता, तो इन्हें कितने 20,000 रुपये दिए थे हमने कि यार आप छोटा सा अपना घर में कुछ सामान मोहल्ले वाली ख़वातीन आके ले लें। सामान कम है नो डाउट, उस वक्त भी हमने कहा था कि बजट हमारे पास इतना ही था, तो सबका एक पोर्शन रख के, बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे एक और फैमिली से भी मिलना था, तो सोचा एक बहन की दुकान भी दिखा दें। तो ये दुकान है, तो बस अल्लाह करम करेगा। नहीं कुछ तो आपने कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं इसमें। हाँ बढ़ाई हैं माशाल्लाह से, देखते हैं आप कभी नजर। हाँ ना, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि मैं एक नसीहत करके गया था आपको, कुछ बने थे। तो नसीहत मैं ये करके गया था कि बहन इस दुकान को बढ़ाना है आपने, 20 से 30 हज़ार और 40,000 रुपये लेके जाना है, कम नहीं करना। तो मुझे खुशी है एक महीने के अंदर ये दुकान रिड्यूस नहीं हुई, इंक्रीज हुई है। मैनू वधिया लगा, सच में मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी सामान कम है, ये कोशिश करेंगे जैसे महीने का हमारा एक तो राशन का वो बजट होता है वो पूरा हो जाए, जो मुस्तहिक फैमिलीज हैं, तो इतने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा हों कि और कोई ज़रूरतमंद मुझे नज़र ना आए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी दुकान को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। 3 महीने हो गए, 3 या 4 महीने, 3 महीने। इनका एक बेटा जिनका इलाज चल रहा था, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी था, कुछ और भी मसाइल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ का उनका कोर्स पूरा हो गया है। बस वही मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों के ज़रिए जो मदद पहुंचती है वो इन तक भी पहुंची थी। अब फाइनल चेकअप करवाना है, और अल्लाह करे कि मैं यहाँ इनके पास आखिरी बार आऊँ, उस सेंस में कि ये बिल्कुल भले चंगे हो जाए बेटा इनका। वो यहाँ है नहीं बेटा, मैं आपको दिखाता, वो पहले से बहुत बेहतर है, जब हम आए थे बिल्कुल गुमसुम था वो, अब माशाल्लाह चल फिर रहा है, घर का सौदा सलब ये वो। 18-17 कितनी उम्र है? 16-17 साल की उम्र है। चले अल्लाह खैर करेगा, तो आपको कुछ पैसे देते हैं, आप जाके चेकअप करवाएं, अगर और दवाई देता है तो वो लें, अगर बंद करता है, बच्चे की कंडीशन अच्छी है, तो बस अल्लाह करम करेगा, ठीक है ना। फेसबुक पर मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, कि अगर वही पुराना ज़माना होता जहां चंद मखसूस चीज़ें दी जाती और शादी हो जाती बच्चे की, तो बहुत सारी बच्चियों की वक्त पर शादियां हो जाती। ये सच्चाई है, वही बात है कि वैरी करती है कि कहां है, किन ममालिक में है, या ममालिक में भी किन शहरों या किन खित्तों में है, क्योंकि सब जगह तो गरीब नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अक्सरियत गरीबों की है। बहुत सारी बच्चियों की शादियां इस वजह से नहीं हो पाती कि हमारे यहाँ ये जो रसूम व रवाज है जिसमें दिखावा भी है, बहुत सारा जहेज भी देना है, तो उसके इंतज़ार में बच्चियों की बालों में चांदी आ जाती है, सफ़ेदी आने लग जाती है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। एक फैमिली है जिसके बारे में मुझे पता चला था कि उनकी बेटी की शादी है, लेकिन ये कि और वो बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली शादी नहीं है, तो सिंधी स्पीकिंग है, और तो ये बहुत कम पैसे वाले भी होते होंगे सिंधी स्पीकिंग जो बहुत ज़्यादा जेज देते होंगे, लेकिन ये लोग मिनिमम जो होता है ना, कम से कम वो। तो हमारी एक अम्मा है, इनकी बेटी की शादी है। अम्मा ये रखिएगा पैसे, ठीक है, ये हमारी, मैं तो पहुंचा रहा हूँ, खैर देने वाले तो कोई और हैं, दुआ कीजिएगा उनके लिए, ठीक है, तो आपकी बच्ची की शादी हो जाए आसानी से, ठीक है अम्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी को पैक कर दें, कौन सी, ये वाली थी, इसको पैक कर। कितने पैसे दूं फिर इसके? फाइनल अच्छा, ये
चलो भैया आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। रजाई दिखाए हैं यार को। इसके ऊपर कवर वगैरह, कवर वाली दो ना यार, ये सही नहीं है, कवर वाली दो, ये तो अजीब सी लग रही है। ये देखो, डबल कवर में होती है। अच्छा, डबल कवर है इसमें, ठीक है। अच्छा चलो, कितने पैसे हो गए इसके? इसका वो शॉपर में ऐसे ले जाएंगे, शॉपर होता है इसको। अच्छा बाकी वो ध्यान से चले जाओ। एक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? कमर दुख रही है? ओए हाय हाय। अच्छा फायदा नहीं हो रहा गोली खाने से? अच्छा फिलहाल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जर्सी और रजाई। ओए मैं आपके लिए नई जर्सी लेकर आया, एक तो लेकर आया आपके लिए रजाई, ये देखें। हाँ रजाई खुश है? आमीन आमीन। ये देखें, ये अभी आप इसको ये पकड़े, ये हाथ से पकड़े, ये रजाई है, ठीक है। अच्छा सर्दी में ठिठर रही है ना आप, ठीक है। ये लड़कियां पहनती हैं, इसमें फूल वूल भी कड़े हुए हैं, आपने जवानी में भी ऐसी पहनी होंगी। हाँ हाँ ये इसमें हाथ डालो। अच्छा ठीक है ना, ये है जर्सी, इसपे फूल भी कड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिस तरह लड़कियां पहनती हैं जवान, आपको भी जवान बना दिया हमने। हाँ ठीक है ना, कमजोरी से बुढ़ापा। हाँ कमजोरी से बुढ़ापा। हाँ माँ बाप बहन भाई है। हाँ बहरहाल ये रजाई है आपकी, ठीक है। रजाई भी ले आए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लेकर आ रहा था। अम्मा कहें बहन कहें जो भी है कि वो सर्दी, वो बाकी सुन के मुझे भी थोड़ा खौफ आया, मुझे ये भी याद आ गया कि यार मुझे भी जैकेट दी थी हमारे एक मेहरबान व्यूअर ने, शफीक भाई ने, तो मैंने जिंदगी में पहली बार ये नई जैकेट मतलब पहनी। सारी जिंदगी ये बातें बताने वाली नहीं, बड़ी अजीब बातें, लेकिन एहसास होती हैं चीज़ें, बार बार सामने आती है ना, एहसास होता है। बच्चों को भी यही बताता रहता हूँ कि यार बस अल्लाह करम करे। तो मेरे जहन में था मैं जैकेट में ला, जर्सी इस तरह की खरीदी जाए जिस तरह की यार वो लड़कियां बालियां पहनती हैं। तो आपको ये जर्सी और ये है ना, खुशी भी हुई नसीब है ना, अल्लाह मेरे जो भी खुशी नसीब करे, मुझे जलाने वाला कोई है ही नहीं। अरे नहीं ना बाप ना भाई, चल अपने ना दिया अल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरे मां-बाप भी चले गए, फूल वूल बने हुए हैं इस पे, ठीक है अम्मा, सही। हाँ खूबसूरत है, माशाल्लाह खूबसूरत है, ठीक है। रंग इसका है ग्रे कलर, ग्रे सॉफ्ट कलर है। हाँ हाँ ज्यादा अच्छा सॉफ्ट कलर है। अच्छा हाँ चलो चलो, वो कोई मसला नहीं है, सर्दी ढकनी है, सर्दी है यार, रंग कोई भी हो, लेकिन ये और ये आप रजाई ओढ़ के, ये जो ओढ़ती है ना आप, ठीक है बहन, कोशिश करेंगे इसके बारे में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। हाँ भाई सवेरा कौन सी है? ये सवेरा और दुआ नहीं, हिफ्जा। हिफ्जा कैसी हो हिफ्जा? ठीक हो, तबीयत ठीक है अभी? याद है पहली बार जब हम मिले थे? हाँ। कहाँ मिले थे? घर पर। ओ तुम्हें बहुत बुखार था उस वक्त, पता है ना? हाँ झूले में थी तुम, झूले में थी तुम, और ये सवेरा भी बहुत बीमार थी।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਨੀਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਆਲ ਵੀਵਰ, 3 ਮੰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ 2-4 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਬਸ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਦੁਆਏਂ, ਔਰ ਜਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੋਂ ਨੇ ਵੋ ਪੈਸੇ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਆ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਬਹਿਨ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਰਹਿਤੀ ਆਪ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖੀ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿਆ ਹੁਆ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਅੱਛਾ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਵੀਵਰ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ। ਯੇ ਬਹਿਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਅੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਕਮਾਲ ਖੋਸਾ ਮਰਹੂਮ ਕੀ ਬੇਵਾ ਬਹਿਨ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬਾਤੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਸਕੀ ਮੁਤਹਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ, ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਬਹਿਨੋਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਆਏਂ ਔਰ ਜੋ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਬਾਤੇਂ ਹਮੇ, ਹਮ ਜੈਸੇ ਤੋ ਵਸੀਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਖੈਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਆਪ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਯੇ ਖੁਦ ਉਨਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿਨ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਸੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤੇ ਸੁਣਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹਮਸੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਬਹਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ।